बच्चों के पॉटी के कलर को लेके बहुत पेरेंट्स परेशान हैं। मैं आपको सिंपल एक आइडिया बता दूं कि कैसे कलर चेंज होता है। जब बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी का स्टूल डार्क होता है, 5 to 7 days में धीरे धीरे ग्रीनिश हो जाएगा। लेकिन डार्क स्टूल बड़े बच्चों में हो रहा है तो डेफिनेटली आपको एग्जामिन करवाना है, क्योंकि वो कभी कभी ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है इंटेस्टाइन में, या फिर कभी कभी आयरन कुछ सप्लीमेंट्स दे रहा है तभी भी हो सकता है। ग्रीनिश स्टूल्स अक्सर नॉर्मल है बच्चों में, अगर वो फॉर्मूला मिल्क भी ले रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क के साथ, या फिर कुछ मेडिकेशन जैसे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो, राइट। अगर ग्रीन स्टूल के साथ आपको म्यूकस या फिर कुछ स्टिकी स्टिकी चीजें दिख रही हैं, बच्चा बहुत रोता है, फीवर वगैरह है, तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं। सो धीरे धीरे 2-4 हफ्ते में उसका स्टूल येलोइश हो जाएगा, जो नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों में रहता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर स्टूल का कलर लाल है तो डेफिनेटली इन्फेक्शन है या फिर कोई इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है। अगर स्टूल का कलर व्हाइट है तो यूजुअली वो कुछ जॉन्डिस या फिर कुछ लिवर के इन्फेक्शन में हो सकता है, और ऑरेंज है, ब्राउन स्टूल है तो यूजुअली बेबीज में हो सकता है, राइट। सो घबराने वाली बात नहीं है, कलर्स यूजुअली बच्चों में एज दे ग्रो चेंज होते हैं। अगर आपको कुछ अनयूजुअल दिख रहा है, कुछ ब्लड स्टेन्स दिख रहे हैं, कुछ म्यूकस दिख रहा है, कुछ स्टिकी स्टिकी दिख रहा है मोशन में, तब जरूर स्टूल टेस्ट करवाइए और आपके डॉक्टर से जरूर मिलिए। नॉर्मली घबराने की बात नहीं है।